मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें मुजफ्फरनगर के मोरना में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया है। जी हाँ, पुलिस टीम ग्रामीणों की भीड़ को अलग करने का प्रयास कर रही थी, तभी भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक दरोगा और एक कांस्टेबल घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें उनकी हालत गंभीर बनी होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी पहुंच गए हैं। क्या सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन को एनफोर्समेंट करा रही है पुलिस, तो उसमें ही हमारे मोरना जो थाना भोपा में आता है, मोरना चौकी इंचार्ज और उनके साथ दो कांस्टेबल्स थे। मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफ़ी भीड़ थी, तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियाँ बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे, और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें, तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं उनकी दो पत्नियां थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों के लिए अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। हालत कैसी है सर, गंभीर जो है? सब इंस्पेक्टर है हमारे, वो क्रिटिकल है, उसके अलावा दो कांस्टेबल्स हैं, उनको भी चोटें आई हैं, बट वो ठीक हैं। सब इंस्पेक्टर को मेरठ रेफर किया गया है। कितनी गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? इसमें अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है। जो पूर्व प्रधान जिसका वो घर था वो गिरफ्तार हुआ है, उसके लड़कों की जो पत्नियां थी, जो महिलाएं इसमें शामिल थी, 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। टोटल 3 गिरफ्तारी हुई हैं, बाकी हमारी टीम अभी लगी हुई है गिरफ्तारियां करने में। क्या कारण है जो ऐसा हुआ? देखिए, वो सारी चीज़ें अभी चेक की जा रही हैं, चेक करके आपको